अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सबसे पहले तो जो आज एक अफसोसनाक सानहा हुआ है कराची में, प्लेन क्रैश PIA का जो हुआ है मॉडल टाउन कराची में, जिसकी वजह से तकरीबन 54 अफराद शहीद हुए हैं और इसके अलावा दीगर जो है तकरीबन 46 अफराद इस वक्त जो है वो ज़ख्मी है और उनको इमदाद दी जा रही है। उसके अलावा केबन क्रू और स्टाफ ये भी जा बांकू हैं और इनमें भी ज़ख्मी हैं। तो और क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा था ये जहाज़, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पे भी हुई है। तो सबसे पहले तो ये हम इन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो भी शुहदा है उनको उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। और उसके अलावा जो है वो जो इंजर्ड है उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता करें, आमीन। और जो शहीद हुए हैं उन सब की फैमिलीज़ को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, आमीन सुम आमीन। और इसके अलावा ये है कि इस वाक़े में जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्लेन जो है वो लाहौर से कराची आ रहा था और सिर्फ 1 मिनट पहले जो है ना वो ये क्रैश हुआ है। तो बड़े ही अफसोस की बात ज़्यादा इस वजह से होती है कि सिर्फ 1 मिनट के फ़र्क से, 1 मिनट पहले लैंड होने से पहले ये क्रैश कर जाना। कभी कभी इंसान मंजिल के इतना करीब आके भी मंजिल को नहीं पाता पा पाता है। तो ये इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है, अल्लाह ताला जो उसकी मर्ज़ी से जो कुछ होता है उसमें इंसान के लिए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता, और इसमें जो उसकी मर्ज़ी है वही इसमें ही बेहतरी होती है।